अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समरसता सोसाइटी की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन कृष्णन मेनन सभागार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर समरसता सोसाइटी के संस्थापक टोरडी ने आए हुए शिक्षकों को संबोधित किया। साथ ही इस अवसर पर नेपाल के राष्ट्रपति भी यहाँ मौजूद रहे, जहाँ नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद जी का स्वागत सोसाइटी के संस्थापक टोरडी जी ने किया। मीडिया से बात करते हुए नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी ने कहा, भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता की सभी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता संगठन के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, समस्त शिक्षकों का और प्रतिभाशाली देश में और भारत में, नेपाल में, भूटान में, हर एक जगह जो समाज की प्रतिभा है उसका सम्मान है, वो मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। समरसता में एक यात्रा भी हमारी चल रही है और अभी माँ नर्मदा की कलश यात्रा 108 देशों में सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए ये यात्रा जो 30 जून को हम यहाँ से लंदन के लिए प्रस्थान किए थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्पेन और फ्रांस, चार देशों की ये यात्रा का प्रथम चरण अभी हुआ है, जिसमें सभी भारतवंशी जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार को लेते हुए समस्त विश्व में गुरुकुल की स्थापना हो, इसलिए विश्व सनातन गुरुकुल संघ के माध्यम से हम अपने संगठन का प्रचार कर रहे हैं। आज दिल्ली में इस कार्यक्रम में आने पर सभी से, जो हमारे नेपाल से उप प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो जज हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी, उनसे सब बैठ के चिंतन करेंगे और अभी बैठक भी हमारी है, जिसमें नेपाल में, समूचे नेपाल में हमारी जब यात्रा आएगी, 1.5 साल बाद हमारी नेपाल जाने की ये यात्रा और नर्मदा कलश यात्रा में लाखों की संख्या में वहाँ सभी हमारे सनातनी भाई बहन उपस्थित होंगे। हमारे प्रिय महावीर प्रसाद टोडी जी ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच के मुख्य कर्ता धर्ता है, इन्होंने अभी जैसा कि बताया और जैसा कि आप लोगों को पीछे से भी विदित है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे दुनिया के लिए काम करता है। दुनिया में शांति, सद्भावना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब कार्यों के लिए काम कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 24 अक्टूबर से 192 देशों के लिए यात्रा करेगा और पीछे भी हम लोग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के माध्यम से, और जिसके मुख्य सलाहकार हमारे कुलदीप प्रसाद शर्मा है एडवोकेट, उनके साथ और माननीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इन सभी देशों में यात्रा कर चुके हैं, और जिसके आधार पर यूएनओ का कार्यालय की जो अब हमारी मांग है, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक इंतजार का जो क्षण रहा, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, तो जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो गया है तो यूएनओ का कार्यालय भी वहां होना चाहिए, ये हमारी मांग है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की, वो किस लिए की थी, 14 वर्ष का वनवास किया था, कि सभी लोगों की समस्याओं सबको समझ सके। सबरी के बेर प्रभु श्री राम ने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, ना भूख मिटाने के लिए खाए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबरी के बेर इसलिए खाए थे कि समरसता रहे, और वही समरसता हमारी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का भी आवाहन है, और इसीलिए उन यादों के साथ वहां जब अयोध्या में यूएनओ का ऑफिस होगा तो निश्चित तौर पर सारी दुनिया के लोग वहां पहुंचेंगे। शांति का प्रतीक भी है और विश्व शांति का संदेश भी वहां से जाएगा, और समरसता के सबसे बड़ी जो आवाज आई वो वहीं से आई, परिवार में आदेश पालने की जो परंपरा है, प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ के वचन को मानकर 14 वर्ष का वनवास किया, तो समरसता भी वहां से आएगी, नैतिकता भी आएगी,
परिवार की मजबूती भी आएगी और हम पूरी दुनिया में जो विश्व शांति का संदेश देते हैं, जो सर्वे भव सुखना का संदेश देते हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का संदेश देते हैं, जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का संदेश देते हैं, वो भी हमारा परिकल्पना में उतरेगा। इसलिए आज जो कार्यक्रम है, यहाँ हमारे माननीय शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि रहे हैं, हमारे महामहिम जी रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, और साथ में यहाँ वैश्विक शिक्षक रत्न अभिनंदन समारोह भी है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अभिनंदन भी समारोह होगा, और जिसमें सभी को, और 8 सितंबर आज विश्व साक्षरता, जो आप देख रहे हैं विश्व साक्षरता दिवस है, आज 8 सितंबर 2024 पूरी दुनिया साक्षरता के लिए मनाती है विश्व साक्षरता दिवस, और उस विश्व साक्षरता दिवस को मजबूत करने के लिए हमारे देश के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जिनका 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, और इसीलिए उसके बाद 8 सितंबर मनाते हैं, तो यहाँ से देश से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, जिन्होंने बहुत अच्छे महान कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, उनका यहाँ से सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, और इस सम्मान को देखकर उनका संदेश पूरे देश के लिए, अन्य लोगों के लिए भी जाएगा कि देश में शिक्षकों का सम्मान होता है, और ऐसी जगह से हो रहा है जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक हाल है ISIL, यहाँ से माननीय कोई ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा 78 वर्षों के स्वतंत्रता के हमारे इतिहास में, जिन्होंने यहाँ से ना संदेश दिया हो और यहाँ ना आए हो, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हो, चाहे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे देश के कोई भी पदस्थ व्यक्ति हो, नीचे से ऊपर सबका योग, सबको योगदान शिक्षकों ने दिया है, इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः कहा जाता है, मन में सुना जाता है, और ये कार्य होना चाहिए। आज पाश्चात्य सभ्यता में ये महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच उसको आगे बढ़ाएंगे।